हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे द 100 का जो मैच नंबर 7 खेला जाएगा, यानी कि जो 100 बॉल्स का टूर्नामेंट है इसका मैच नंबर 7 खेला जाएगा दोस्तों। यहाँ से MNR वर्सेस TRT, यानी कि मैनचेस्टर ओरिजिनल वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के टीम के बीच में डिटेल में इस मैच को कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो आप लोग कंप्लीट वॉच करना। कौन से 11 प्लेयर आप लोग आज के मैच में अपनी फैंटेसी टीम में बैक करके चलोगे? दोनों टीम्स की साइड से आज के मैच में सेफ ऑप्शन, यानी कि जो आपके लिए सेफ प्लेयर रहेंगे भाई, वो कौन से बनेंगे? प्लस आप लोग आज के मैच में अपनी टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर किसको ट्राई करोगे? इवन अपनी स्मॉली की टीम के साथ साथ आप लोग अपनी ग्रैंडी की टीम में कौन से प्लेयर्स को रख सकते हो आज के मैच में? ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस दोनों टीम्स के प्लेयर्स का लास्ट मैच की परफॉर्मेंस किस प्रकार की थी, किसने कितने गेंदबाजी करवाई थी भाई, बल्लेबाजी कौन सा प्लेयर कहां पे कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं एक एक चीज इस वीडियो में डिटेल में कवर करके दूंगा, बस आप लोग ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना, ठीक है? पूरा वीडियो वॉच करोगे, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में जाओगे, आप लोग एक बढ़िया टीम सिलेक्शन करके भाई अच्छी खासी अमाउंट यहां पे विन कर सकते हो। अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ में जाओगे यार, कोई ना कोई गलत प्लेयर आ जाएगा और फिर आपकी पूरी टीम खराब हो जाएगी, तो वो गलती मत करना। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा किसी भी प्लेयर के बारे में, आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा अगर आप लोग ये पूरा वीडियो वॉच करोगे, ठीक है? उसके बाद में आप लोग जो दिल करे अपने हिसाब से खुद का भी टीम सिलेक्शन कर पाओगे, तो पूरा वीडियो आपको जरूर से वॉच करना। एक चीज बता दूं, दोनों टीम्स देखो इस सीजन अपना एक एक मुकाबला खेल चुकी, जबकि MNR यानी कि मैनचेस्टर ओरिजिनल की जो टीम है ये अपना पहला मैच हार चुकी है। दूसरी साइड TRT यानी कि ट्रेंट रॉकेट्स की टीम अपना पहला मैच विन कर चुकी है। अब एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, MNR जब पहला मैच खेली ना तो ये केवल 86 रन कर पाई थी, लेकिन जब ट्रेंट रॉकेट्स अपना पहला मैच खेली ये टीम 180 प्लस का स्कोर मार के आई है। तो मतलब एक चीज अपने सामने क्लियर की भाई, ट्रेंट रॉकेट्स की जो टीम है ये आपको काफी तगड़ी और काफी स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिलेगी। आज के मैच में कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की सेफ ऑप्शंस कौन से प्लेयर बन सकते भाई, आप लोग अपनी टीम में ट्रम्प कार्ड ऑप्शन में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के कौन से प्लेयर्स को लेकर चलोगे, सारी चीजें बताऊंगा। बस वीडियो आपको कंप्लीट देखना, ठीक है? पिच रिपोर्ट किस प्रकार की रहेगी वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पर नई होती है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, आने वाले किसी भी मैसेज के वीडियोस आपको मिस नहीं करने। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन जरूर से बनाए रखना। टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े भाई, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, सबसे ऊपर आपको टॉप में एक पिंड कमेंट मिल जाएगा, वहां पे लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। टॉस के बाद में कोई भी अपडेट्स होंगी, फाइनल टीम में कोई भी चेंज करेंगे लास्ट मोमेंट पे, या फिर अकॉर्डिंग टू टॉस आपके लिए कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड ऑप्शन बनेंगे वो भी मैं अलग से टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट करता हूं। तो कमेंट सेक्शन में लिंक है दोस्तों, सिंपली जाके सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिए, ठीक है? मैच की बात करते हैं भाई, फिर से बता दूं, MNR वर्सेस TRT, मैनचेस्टर ओरिजिनल वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में ये मैच नंबर 7 खेला जाएगा द 100 का। पहले चलेंगे पिच रिपोर्ट पे और उसके बाद फिर टीम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है? तो सीधा सीधा आपको मैं पिच रिपोर्ट पे लेके चलूंगा, किस प्रकार का विकेट हो सकता है वो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वेन्यू की बात करें दोस्तों, एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के वेन्यू पे ये मैच खेला जाएगा। अब इस वेन्यू पे इस सीजन का पहला मैच खेला जा चुका है, जहां पे MNR की जो टीम थी वो फर्स्ट बैटिंग में केवल 86 रन कर पाई थी और वेल्स फायर की जो टीम थी वो लगभग 57 गेंदे खेल के भाई टारगेट को चेज कर गई थी। मतलब पहले मैच में मैनचेस्टर जो है अपने होम वेन्यू पे उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। ये मैच भी सेम वेन्यू पे खेला जाएगा, तो यहां का जो विकेट एक बैलेंस विकेट आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस मतलब भाई बल्लेबाज गेंदबाज दोनों को इक्वल हेल्प आपको देखने को मिल जाएगी। इवन अगर मैं बात करूं, अब तक इस वेन्यू पे टोटल 13 द 100 के मैचेस खेले जा चुके, जहां में फर्स्ट बैटिंग का जो विन परसेंटेज है वो केवल 25% के आसपास है, सॉरी जो फर्स्ट बैटिंग का विन परसेंटेज है वो आपको लगभग 38% के आसपास दिखेगा, जबकि सेकंड बैटिंग का विन परसेंटेज यहां पे आपको लगभग दिखेगा भाई 46 के आसपास। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज आप लोग मान सकते हो कि सेकंड बैटिंग के फेवर में चीजें जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ माइनर सा एडवांटेज रहेगा, ज्यादा आप लोग समझ के मत चलिएगा, ठीक है? ओवरऑल बात करूं, एवरेज स्कोर यहां पे लगभग 130 के आसपास है। जो भी टीम 130-140 का स्कोर करेगी इस वेन्यू पे पहले बल्लेबाजी के अंदर, वो टीम अपने लिए स्कोर को डिफेंड करने के चांसेस जरूर बनाएगी। अब देखो 100 बॉल्स का मैच है भाई, 100 रन में या फिर 110 रन में तो मुश्किल से मैच विन करे जाएंगे। जरूर लास्ट मैच ओवल इनविंसिबल की जो टीम है उन्होंने वेल्स फायर के अगेंस्ट 113 का टारगेट भी लगभग डिफेंड कर लिया, लेकिन वो एक आध मैचेस में चीजें पॉसिबल है। 130-135 यहां पे एक डिफेंडेबल स्कोर है, बाकी 110-115-120 तक का जो स्कोर रहेगा वो यहां पे एक चेजेबल स्कोर रहेगा, ये मान के चलिए, ठीक है? बाकी विकेट की बात करें तो तेज गेंदबाजों को अच्छी हेल्प आपको दिख सकती है, लेकिन यहां पे स्पिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इस वेन्यू पे जो पिछले 10 मुकाबले खेले गए उनमें अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे 45 विकेट निकाले भाई फास्ट बॉलर्स ने, जबकि जो स्पिन गेंदबाज है वो यहां पे 55 विकेट निकाल चुके हैं। मतलब स्पिन जो है वो फास्ट के मुकाबले आपको इस वेन्यू पे ज्यादा विकेट निकालते हुए दिख रही है, तो स्पिन को आप लोग इस मैच में अवॉइड नहीं कर सकते। कौन से मेन गेंदबाज रहेंगे स्पिन के अंदर वो भी आपको समझा दूंगा जब टीम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है? बाकी अगर हेड टू हेड की बात करें तो 3 मैच यहां पे ट्रेंट रॉकेट्स ने, तो भाई एक मैच केवल MNR यानी कि मैनचेस्टर ओरिजिनल विन कर पाई है। मतलब ओवरऑल ट्रेंट रॉकेट्स की जो टीम है वो MNR की टीम पे थोड़ा सा हावी टीम पड़ती है। तो सिर्फ आपको वेन्यू के बारे में इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। मैं फिर से बता दूं भाई, देखो 130-140 का एवरेज स्कोर इस वेन्यू पे मान के चलिए, इतना तो भाई करना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पे चेजेबल स्कोर रहेगा अगर इससे कम जाएगा तो, ठीक है?
फास्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि फॉरेन कंडीशन है, लेकिन इस वेन्यू पे खासकर स्पिन भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले करके जा सकती है। विकेट्स मैंने आपको बता दिए, बाकी दूसरी चीज देखो यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश वगैरह के उतने कोई खास चांसेस नहीं है, ठीक है। बाकी स्पिन में कौन से प्लेयर रहेंगे जो पूरे अपने आपको 20 गेंदे डाल के देंगे वो भी आपको बता दूंगा। तो पिच के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखिए, बाकी अभी हम लोग सीधा चलते हैं टीम सेक्शन पे। विकेट कीपिंग सेक्शन, पहली ऑप्शन फिलिप्स होल्ट, दूसरी टॉम बेंटन। देखो अगर आज के मैच में जोस बटलर खेलते हैं, जो कि लास्ट मैच ये नहीं खेले, अगर आज के मैच में बटलर खेलेंगे भाई डायरेक्ट आपके टीम में आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनके बारे में फाइनली कोई अपडेट है नहीं तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अभी आपके पास में फिलिप्स होल्ट और टॉम बेंटन दो आपके पास में बेस्ट विकल्प है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, अगर बटलर खेलेंगे टॉस के टाइम पे जब लाइनअप आएगी दोनों टीम्स की क्लियर हो जाएगा, अगर बटलर का नाम प्लेइंग 11 में आएगा सो बटलर आप लोग डायरेक्ट अपनी टीम में उठा के बैक कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि लास्ट मैच में ये नहीं खेले थे, उस वजह से लास्ट मैच के प्लेइंग 11 के हिसाब से ही आज के मैच में टीम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो फिलिप्स होल्ट ओपन करेंगे, टॉम बेंटन ओपन करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट मैच की वीडियो देखी होगी जेनवन के, ठीक है, साथ में कमेंट में जाके बता देना, मैंने आपको क्लियर बोला था टॉम बेंटन के बारे में ट्रंप कार्ड ऑप्शन में ट्राई करिए, प्लस अगर ट्रंप कार्ड में ट्राई करो तो ट्रंप कार्ड में फिर कैप्टन वाइस कैप्टन भी भाई चिपका दो, क्योंकि अगर ये बंदा चल गया आपको वन साइडेड विन करवा के लेके जाएगा। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस भाई 66 रन की पारी ओपनिंग बल्लेबाजी, तो यहां से आपको एक बढ़िया प्लेयर मिलेगा। उसके बाद में फिलिप्स होल्ट 84% सिलेक्शन में एक सेफ ऑप्शन आपके लिए है, क्योंकि लास्ट मैच नहीं चले थे, ओपन करेंगे 0 यानी कि डक के स्कोर पे आउट होके गए थे, बट भाई फिलिप्स होल्ट तगड़ा हार्ड हिटर प्लेयर है, ये कभी भी पासा पलट सकता है पूरे गेम का, ठीक है। तो हाई रिस्क हम लोग नहीं उठाएंगे, सो यहां से फिलिप्स होल्ट और टॉम बेंटन दोनों के साथ में थोड़ा सा सेफली चलेंगे। बट एक चीज बता दूं, टॉम बेंटन को आज के मैच में चाहो तो एक बार फिर से आप लोग अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि सामने जब मैं एमएनआर का गेंदबाजी डिपार्टमेंट देखता हूं ना, तो मुझे उतनी क्वालिटी गेंदबाजी सामने नहीं दिख रही है। बाकी देखो विकेट जा सकते हैं भाई, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन एक तो क्वालिटी गेंदबाजी सामने दिखे तो हाई चांसेस होते भाई शायद विकेट निकल जाए, लेकिन थोड़ा सा वीक गेंदबाजी मुझे कहीं ना कहीं कम दिख रही है यहां पे। तो मुझे लगता है कि टॉम बेंटन आज के मैच में शायद एक बार फिर से आपके लिए एक अच्छी पारी खेल के देके जा सकते हैं। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की चॉइस लेके चल सकते हो, फिलिप्स होल्ट को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में, बट ये हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, चल जाएगा आपके फेवर में चीजें चली जाएंगी, नहीं चलेगा आपके अगेंस्ट चीजें चली जाएंगी। तो मेरा ये सजेशन है पर्सनली कि आप लोग भाई एज ए नॉर्मल प्लेयर ही लेके चलो, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी से थोड़ा सा दूर रहिएगा, बाकी नीचे कुछ खास ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। बैटिंग सेक्शन के अंदर आऊंगा, सबसे पहले एलेक्स हेल्स, देखो वन डाउन बल्लेबाजी कर रहे हैं, लास्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, 6 ही रन करे थे, लेकिन फिर भी आज के मैच में बैक करेंगे, और खासकर अगर यहाँ पे टीआरटी ने पहले बल्लेबाजी करी तो जरूर मैं एलेक्स हेल्स को आज के मैच में टीम में बैक करूंगा। और पहले अगर बल्लेबाजी करती है टीआरटी तो चाहो तो यूनिक ऑप्शन में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के रख सकते हो यहां पे आप लोग एलेक्स हेल्स को, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन पहले बल्लेबाजी में, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद में देखो जेमी ओवर्टन दिखेंगे आपको, बैटिंग सेक्शन में 64% सिलेक्शन है, लास्ट मैच में बोला था डिफरेंशियल चॉइस आपके लिए बनेगा भाई, और लास्ट मैच में देखो 23 रन की इन्होंने पारी खेली, जहां पे बल्लेबाजी में आए थे फोर्थ डाउन पे, यानी कि 4 विकेट गिरने के बाद। अब देखो टीम यहां पे लास्ट मैच इनके साथ में गेंदबाजी करवा सकती थी, बट पूरी देखो इन्होंने 100 बॉल्स नहीं डाली थी एमएनआर के गेंदबाजों ने, ये लगभग 57-58 के आसपास इन्होंने गेंदबाजी करी थी, मतलब 40-45 गेंदे बाकी थी, और उन 40-45 गेंद में कंफर्म था कि जेमी ओवर्टन आपको गेंदबाजी करते हुए जरूर से दिखते। तो भाई एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, सिलेक्शन देखोगे 64% है, बढ़िया प्लेयर है, बैटिंग में तगड़ी हार्ड हिटिंग दे सकता है, दूसरा गेंदबाजी करवा सकता है अगर टीम का कैप्टन चाहे तो। देखो टीम का कैप्टन ही गेंदबाजी ना करवाए तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट ये रेगुलर गेंदबाज है, ये मैं आपको पहले बता दूं, गेंदबाजी कर सकता है, पूरी 20 गेंदे करेगा नहीं उस चीज की कोई गारंटी नहीं है, मतलब 10-15 गेंदे आपको जरूर डाल के दे सकता है, अगर उसमें विकेट मिलते तो भाई प्लस पॉइंट है, अदरवाइज बैटिंग में भी अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, एक बढ़िया बल्लेबाज आपको मिल जाएगा, जरूर अपनी टीम में बैक कर सकते हो। मैक्स होल्डर लास्ट मैच कुछ खास नहीं था, डब्ल्यू मैडसन का उतना खास गया, अगर आज के मैच में मान लीजिए यहाँ पे जोस बटलर खेलेंगे तो भाई मैडसन या फिर यहाँ पे होल्डन में से कोई एक प्लेयर आपको डायरेक्ट टीम से बाहर होता हुआ दिख सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको डिफरेंशियल ट्राई करना तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग मैडसन के साथ में यूनिक जा सकते हो एज कंपेयर टू यहाँ पे मैक्स होल्डन, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैडसन कहीं ना कहीं होल्डन के कंपेरिजन में थोड़ा बेहतर प्लेयर आपको मिल जाएगा, और ये आपको बल्लेबाजी भी वन डाउन करके देगा, ठीक है। तो आप लोग अगर ट्रम्प कार्ड में ट्राई करो तो यहाँ से डब्ल्यू मैडसन को अपनी टीम में एज ए यूनिक ऑप्शन में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आएंगे सैम हेन, लास्ट मैच का हीरो, जाके वीडियो लास्ट मैच की अभी भी देख लो, चैनल पे आपको मिल जाएगी। टॉम बेंटन सैम हेन ये प्लेयर बताए थे भाई डिफरेंशियल में ट्राई करोगे, ट्रम्प कार्ड ऑप्शन में ट्राई करोगे, और जब मैंने उस मैच की वीडियो कवर करी थी इन प्लेयर का सिलेक्शन केवल 5% 7% के आसपास था, आज के मैच में सिलेक्शन देखो 66% है। लास्ट मैच की अगर बात करूं सैम हेन की, सेकंड डाउन बल्लेबाजी करते हुए 49 रन की पारी इन्होंने खेली आज के मैच में। फिर से बता दूं अगर यहां पे टीआरटी ट्रेंट रॉकेट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आज के मैच में सैम हेन को आप लोग अपनी टीम में एज ए यूनिक ऑप्शन में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के रख सकते हो। लास्ट मैच में देखो टीआरटी की साइड से एक बार मैं सिलेक्शन दिखा दूं आपको सैम हेन का, ताकि आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सिलेक्शन देखो केवल 38% था, लेकिन मैंने जब वीडियो कवर करी थी ना उस टाइम पे इनका सिलेक्शन मुश्किल से 5 या 7% के आसपास था, ठीक है।
अब भी सिलेक्शन देखोगे 66% है, क्योंकि लास्ट मैच परफॉर्मेंस करी, और मैं तो आपको वो चीज पहले ही मैच में ऑलरेडी बता चुका था, इसलिए बोलता हूं कि वीडियो के अंदर आपको हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन किस लेवल का प्लेयर है, क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेयर्स का भी सिलेक्शन काफी बारी काफी कम होता है, तो आप लोग उन प्लेयर को एज ए ट्रंप का ट्राई कर सकते हो। आज के मैच में सैम हिन को ट्रंप में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो एडम लीथ एक ऐसा प्लेयर है जो कि टोटली हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, आपके लक पे डिपेंड करेगा, ओपनिंग बल्लेबाजी करेगा, अगर आप लोग थोड़ा रिस्क उठा सकते हो अपनी टीम में तो आज के मैच में एडम लीथ के साथ में यूनिक ऑप्शन में जा सकते हो। फिर से बता दूं भाई, आपके लक पे ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि टोटल हिट एंड मिस टाइप वाला प्लेयर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, रखो ना रखो। फिलहाल हम लोग चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, सिकंदर रजा, जो कि देखो लास्ट मैच बल्लेबाजी में थर्ड डाउन आए थे, 13 रन इन्होंने करे। गेंदबाजी की बात करूं तो गेंदबाजी में लास्ट मैच में सिकंदर रजा ने एक सिंगल गेंद भी नहीं डाली थी, वो जाना कि जिम्मी ओवरटन, सिकंदर रजा दो मेन प्लेयर जो कि गेंदबाजी नहीं करेगा गए लास्ट मैच लगभग 60 गेंद तक, ठीक है। इस मैच में हो सकता है कि सिकंदर रजा और आपको भाई जिमी ओटन दोनों गेंदबाजी करते हुए भी दिख जाएं। अगर सिर्फ बल्लेबाजी बेस पे सिकंदर रजा को रखना पड़े ना, तो फिर मैं आपको कभी प्रेफर नहीं करूंगा। गेंदबाजी करते भाई उस वजह से प्लस पॉइंट बनता है, सो वहां पे मुझे लगता है कि सिकंदर रजा एक बढ़िया विकल्प है। अगर गेंदबाजी नहीं करेंगे ना, तो फिर चाहो तो आप लोग यहाँ पे सिकंदर रजा को टीम से बाहर कर सकते हो। उसके बाद में आएंगे इमाद वसीम, देखो लास्ट मैच पूरी 20 गेंदे करवाई, एक विकेट इनके नाम था, स्पिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है और इमाद वसीम एक क्वालिटी स्पिनर है। दूसरी चीज, इमाद वसीम बैटिंग में अच्छा बैकअप आपको देके जा सकते हैं, तगड़ी है, हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन शायद इनकी बल्लेबाजी की जरूरत ट्रेंट रॉकेट्स की टीम को ना पड़े, तो गेंदबाजी बेस पर मैं इनको फिलहाल लेके चलूंगा। पी वोल्टर एक बढ़िया विकल्प है और आज के मैच की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की भी बढ़िया चॉइस है। सेकंड डाउन पे बल्लेबाजी, लास्ट मैच बैटिंग तो एमएनआर का पूरा ही कोलैप्स करके गया था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, लेकिन गेंदबाजी में 10 गेंदे करवाई थी और वे एक विकेट इनके नाम था, प्रॉपर 20 गेंदे आपको डाल के दे सकते हैं, प्लस बल्लेबाजी ऊपर करेंगे वहां पे अच्छे खासे रन मार सकते हैं, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की चॉइस आपके लिए एक बढ़िया भाई, यहां से पी वोल्टर को ट्राई कर सकते हो। नीचे आएंगे दोस्तों, लुइस ग्रोगरी ने देखो लास्ट मैच बल्लेबाजी नीचे करी थी, बल्लेबाजी की बात करूं तो 6th डाउन पे ये बल्लेबाजी करने आए थे, जहां पे रन की बात करते लुइस ग्रोगरी ने रन्स में कुछ खास नहीं, लेकिन दो विकेट जरूर निकाले थे, ठीक है, और 15 गेंदें इन्होंने करवाई थी, मतलब गेंदबाजी रेगुलर करेंगे, तो वो चीज कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट बन सकते हैं, सो लुइस ग्रोगरी को मैं बैक करूंगा। रोमन पोवल आज के मैच के ट्रम्प कार्ड ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि भाई टीआरटी की टीम ट्रेंट रॉकेट्स के एक दो विकेट जल्दी गिर सकते हैं, तो आप लोग रोमन पोवल के साथ में आज के मैच में यूनिक जा सकते हो, लेकिन यूनिक जाओगे केवल पहले बल्लेबाजी के अंदर, ना कि सेकंड बल्लेबाजी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में टॉम हार्टले की बात करें, लास्ट मैच कुछ खास इनका नहीं गया, केवल 5 गेंदे करने को मिली, विकेट इनको मिले नहीं थे। स्पिन गेंदबाज ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पहले गेंदबाजी में करिएगा, सेकंड में नहीं। उसके बाद में आएंगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, राशिद खान और भाई यहां से अगर मैं बात करूं कौन सा प्लेयर, जोस बटलर, ठीक है, दो प्लेयर अगर आज का मैच खेलेंगे तो ये डायरेक्ट आपकी टीम में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिलहाल नहीं रखेंगे, लास्ट मैच के बेस पे। उसके बाद में ओली रॉबिन्सन की अगर मैं बात करूंगा, टीआरटी की साइड से गेंदबाजी, लास्ट मैच में 10 गेंदे करवाई, विकेटलेस थे, अगर टीआरटी पहले गेंदबाजी करेगी और रॉबिन्सन के साथ में यूनिक ऑप्शन में जाओगे, केवल 10% सिलेक्शन है, 15% सिलेक्शन है, बढ़िया डिफरेंशियल पिक आपके लिए बन सकता है, लेकिन पहले गेंदबाजी में। उसके बाद में नीचे आऊंगा, फजल अक फारूकी पहले गेंदबाजी आई थिंक ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए प्लेयर बन सकते हैं एमएनआर की टीम के लिए, लास्ट मैच में 17 गेंद के आसपास गेंदबाजी करवाई थी और भाई विकेटलेस जरूर थे, लेकिन देखो बढ़िया स्विंग गेंदबाज है, अगर आपको लगता है टीआरटी के विकेट जल्दी गिरने चाहिए तो फिर फजल अक फारूकी का चलना एमएनआर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सेफली आप लोग इनके साथ में बैक कर सकते हो। ल्यूक वुड एक बढ़िया स्विंग गेंदबाज आपको दिखेगा और हो सकता है अर्ली आपको एमएनआर के विकेट एक बार फिर से गिरते हुए दिख जाए, क्योंकि अगर ल्यूक वुड जैसे प्लेयर की स्विंग चली ना तो एमएनआर के विकेट जल्दी गिरेंगे भाई, ये आप लोग मान के चलिएगा। इवन ये आपको डेथ में भी गेंदबाजी करके जरूर से दे सकता है, बट डेथ में शायद उतना इफेक्टिव ना रहे जितना कि ये बंदा भाई इनिशियल ओवर में काम करके जा सकता है। उसके बाद में नीचे आएंगे भाई उसामा मीर, बल्लेबाजी ठीक ठाक कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी छोड़ दो, गेंदबाजी सिर्फ लास्ट मैच में 5 ही गेंदे करने को मिली और ये विकेटलेस थे। उसके बाद में नीचे आऊंगा सैम कुक, देखो ठीक ठाक गेंदबाज है, बट ना तो इनकी T20 ब्लास्ट में सीजन परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया थी, ना पहले मैच में इन्होंने कुछ खास करा, 20 गेंदे करवाई, विकेटलेस जरूर हमें देखने को मिले, बाकी टीआरटी पहले गेंदबाजी करे तो ही बैक करिएगा, अदरवाइज छोड़ के चल सकते हो। उसके बाद में नीचे आएंगे क्रिस ग्रीन ने लास्ट मैच लाजवाब हिटिंग प्लस गेंदबाजी में 3 विकेट, ये बंदा आज के मैच में डिजर्व करता है भाई आपकी टीम में आना, ठीक है। तो उसके बाद में नीचे आऊंगा यहां से देखो स्कॉट क्यूरी, बल्लेबाजी भी लास्ट मैच में ठीक ठाक करके गए, बट बहुत नीचे आएंगे बल्लेबाजी में, 26 रन करे थे बट बल्लेबाजी का मौका मिला क्योंकि लास्ट मैच एमएनआर का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करके गया था। दूसरा देखो 12 गेंदे इन्होंने करवाई थी और एक विकेट स्कॉट क्यूरी के नाम था, तो यूनिक ऑप्शन आपके लिए 35% सिलेक्शन में बढ़िया, जब एमएनआर पहले गेंदबाजी करेगी आप लोग अपनी टीम में बैक कर सकते हो। एक और प्लेयर आपको मैं यहां से बता दूं, देखो जे हुल का सिलेक्शन केवल 4% है, लेकिन इनके T20 ब्लास्ट के आंकड़े मैंने बताए थे लास्ट मैच की वीडियो में, बढ़िया गेंदबाजी करवाई थी और अच्छे विकेट निकाले थे,
तो आज के मैच में अगर MNR पहले गेंदबाजी करे ना, तो आप लोग जय हुल के साथ में अपनी टीम में डिफरेंशियल प्लेयर के रूप में लेके चल सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ग्रीन को ही बैक करके चलूंगा, तो मेरी अब जो 11 प्लेयर की टीम है दोस्तों वो बनके क्रिएट हो चुकी है, जो कि मैं एक बार आपको यहां से दिखा देता हूं। आप लोग देख पाओगे मेरी टीम में 11 प्लेयर आ चुके हैं। अगर बात करूं चेंजेस की, तो चेंजेस कहां करोगे वो मैंने आपको समझा दिया। बटलर राशिद दोनों खेलेंगे, डायरेक्ट आपकी टीम में आएंगे। सिकंदर रजा सिर्फ बल्लेबाजी बेस पे नहीं रख सकते, गेंदबाजी अगर नहीं करेंगे तो टीम से बाहर करके रिस्क उठा सकते हो। दूसरा यहां पे देखो एडम लिथ आपके लिए ट्रम कार्ड ऑप्शन हो सकता है, जिनका सिलेक्शन थोड़ा कम है लेकिन ओपनिंग करने उतरेंगे, वो प्लेयर आपके लिए बढ़िया विकल्प है। जे हुल को ट्राई कर सकते हो, जो कि गेंदबाजी अगर पहले करेंगे MNR तब आपके लिए अच्छी पिक हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक भी आपको चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। अभी जो 11 प्लेयर की टीम आप लोग देख रहे हो इसको सिर्फ एक डेमो टीम मान के चलना, माइनर चेंजेस एक दो करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू टॉस। तो बिल्कुल जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूं, सबसे पहले सेफ ऑप्शंस की देखो, सबसे पहले यहां पे पी वोल्टर आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है, टॉम बेंटन को ट्राई कर सकते हो, फिलिप सोल्ट आपके लिए बढ़िया विकल्प है। मेरे अकॉर्डिंग ये तीन प्लेयर आपके लिए टोटली सेफ ऑप्शंस है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। बाकी बटलर और राशिद खेलेंगे तो वो भी आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में सेफ ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल चॉइस की, एलेक्स हेल्स आपके पास में, यहां से सैम हेन आपके पास में बढ़िया विकल्प है। उसके बाद में ट्राई कर सकते हो आप लोग यहां से लुइस ग्रोगरी को, अगर TRT पहले गेंदबाजी करती है तब। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहां से इमाद आपके लिए एक अच्छे डिफरेंशियल चॉइस हो सकते हैं। बाकी ग्रीन को आप लोग यूनिक में लेके चल सकते हो। तो ये प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए आज के मैच के ट्रम कार्ड ऑप्शन होंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के। बाकी जिमी ओवरटन एक प्लेयर बता दिया, जरूर अपनी टीम में बैक कर सकते हो, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करके देगा अकॉर्डिंग टू लाइनअप्स, भाई आपको मैं बता दूंगा, या फिर अकॉर्डिंग टू टॉस कि आपको उसको रखना है या फिर नहीं रखना। तीन चार प्लेयर अभी भी डिफरेंशियल पिक आपको बता रखे, उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा, भाई पसंद आया होती यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप लोग जरूर से ऑन कर लेना, आने वाले किसी भी मैचेस की वीडियोस आपको मिस नहीं करनी। मिलते हैं दोस्तों अगले मैच के वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सिलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।